हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। साल 2021 अब खत्म होने की राह देख रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई साल के अंतिम में अपने मोमेंटम को और ज्यादा बरकरार रखने में लगी है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, रेटेड आर सुपरस्टार नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में टेलीविजन पर वापसी करेंगे। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल उनके नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में कुछ नहीं बोला। पिछले साल एज रॉयल रंबल विनर बन के फैंस को सरप्राइज कर दिए थे। नए साल के फास्ट पेपर व्यू उनके दिलो दिमाग में है। हो सकता है एज की टारगेट हो रॉयल रंबल 2022। हॉल ऑफ फेमर कार्ड एंगल अपने बारे में एक दिलचस्प बातें शेयर किया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद उनको दो ऑफर्स मिले थे। उनमें से एक था एनएक्सटी की कोच बनने का और दूसरा था चार्मिंग बॉय मैट रिडल की ऑन स्क्रीन मैनेजर का ऑफर, लेकिन उन्होंने ये दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उनको ये जॉब्स पसंद थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें इस जॉब्स के लिए काफी कम पैसा देना चाहता। अगर कार्ड एंगल रिडल के मैनेजर बन जाते तो रिडल का करियर ऊंचाइयों में पहुंच जाता।